बोल साचे दरबार की जय। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सततम नमः नमः प्रकृत्य भद्राय नियता प्रणता स्मताम। आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हमारे देवी पुराण में बताया गया है कि माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए, जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापन से हम शुरुआत करते हैं। तो किस प्रकार कलश स्थापन करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है और किस विधि विधान से करने से माँ भगवती की अनंत कृपा प्राप्त होता है, आइए हम उसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो इस वर्ष शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 शनिवार के दिन चित्रा नक्षत्र में कलश स्थापन किया जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 6:44 से 10:47 तक शुभ मुहूर्त है। अगर आप अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापन करना चाहते हैं तो अभिजित मुहूर्त का 11:37 से लेकर के 12:49 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। इस समय कलश स्थापन करना बड़ा ही सिद्धप्रद और लाभप्रद माना गया है। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि कलश स्थापन किस प्रकार हम करें, क्या विधि विधान है। देखिए यहाँ पे कलश स्थापन किया गया है। सर्वप्रथम अपने आप को शुद्धिकरण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरः शुचिः। फिर 3 बार आचमन करें। ओम ऐं महाकाल्यै नमः, ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः, ओम क्लीं महासरस्वत्यै नमः, ओम श्री भगवत्यै नमो नमः स्तं प्रक्षालयेतः। माँ भगवती को फिर पुनः प्रणाम करेंगे। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पवित्री हो तो पवित्री धारण कर ले। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो शवितृपः प्रषभ उत्पुणाम्य चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रत्वे पवित्रपूतस्य यत्कामः पुणे तक्षकेयं मा मानस्तोके तनये मानायिखमानो गोखुमानो स्वेकुरुरिकः मानो वीरान द्रभामिनो बधिरेकमन्तः शदमित्वा हवामहे चिद्रपीणी महामाये दिव्यतेज समन्विते तिष्ठदेवी सिकाबद्धे तेजो वृद्धि कुरुष्व मे। उसके बाद शांति पाठ कर लें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति हे सर्वज्ञं शांति हे शांतिरेव शांति हे सामा शांतिरेधि सुख शांतिर्भवतो सर्वारिष्ट शांतिर्भवतो विनायकं गुरुं भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यात सिद्धये ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। पुनः हाथ में जल अक्षत चंदन सुपारी द्रव्यादि नैवेद्य लेकर के माँ भगवती के चरणों में जो भी आपकी मनोकामना है वह मनोकामना मन में रख करके 3 बार बोलेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अत्रादिया महामंगल्या फलप्रदमासोत्तमोत्तमः शुभे आश्विन मासे शुभे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां महापुण्यतिथौ औतिथ गोत्रोत्पन्नस्या प्रियवर्त शर्माहम भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी प्रसन्नता सिद्ध्यर्थेन यथादिनाख्येन प्रथमं शैलपुत्री कलश स्थापन पूजनाख्येन कर्म महं करीषये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवंत दुसत्य तथैवेति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरे कं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तो। मन में संकल्प रखें, जो भी आपकी मनोकामना है आप अपना नाम अपना गोत्र अपने परिवार का नाम लेकर के संकल्प लेकर के माँ भगवती के चरणों में छोड़ दें। तत्पश्चात दीप नारायण का पूजन करें, दीप जलाएं, घंटा पूजन करें, माँ पृथ्वी का पूजन करें। ओम समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे पृथिव्यै नमः आधार शक्तये नमः कूर्माय नमः अनंताय नमः शेष नागाय नाय नमो नमः। सभी देव भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। तत्पश्चात सर्वप्रथम जैसा हमारे देवी भागवत में बताया गया है कि
कि कोई भी पूजन कार्य करने से पहले भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। तो आइए भगवान गणपति जी की आराधना करें। हरे हे ओम महागणानंत वा गणपति गंगावामहे प्रियानंत वा प्रियापति गंगावामहे निधेनंत वा निधिपति गंगावामहे वसो मम आहमजा निगर्भधामात्वमजासि गर्भधाम। ओं गणेभ्यो गणपतिभ्यश्चव नमो नमः। भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्चव नमो नमः। गृत्सेभ्यो गृत्सरूपेभ्यश्चव नमो नमः। विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चव नमो नमः। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राये नियता प्रणता स्मताम्। ओम भूर्वस्व सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। पाद्योपाद्यो समर्पयामि हस्तोर्घ्यम मुखे आचमन्यम सर्वांगेष्णान्यम जलम समर्पयामि। पयाधि पंचामृत स्नानम पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ते द्रद्रोता। सरस्वती तु पंचधासो देशे भवसरितः। शुद्धोदक स्नान्यम जलम समर्पयामि। एक तंत्रेण गंध अक्षत पुष्पाणि सहितं समर्पयामि। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। दुर्वांकुरान भगवान गणपति जी को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं, उससे भगवान गणपति जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ओम कांडात कांडात परोहंते परुकः परस्परे एवानो द्रुवेण प्रतलो सहस्त्रेण सतेन च। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि सहितं समर्पयामि। संपूजयामि धूपम आर्घ्यापयामि। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। धूपान दीपान्ते हस्तं प्रक्षालयतः नैवेद्यम मा हरिः ओं मानाभ्यायासीदन्तरिक्षगौं शेषणोर्द्योः समवर्तता। पदभ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकां प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्याणाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। मध्ये मध्याचमन्यम उत्तराभृणम पुंगे फलमेलादि लवंग चूर्णादि सहितम सार्वदर्वक्षिणाम सहितम समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़ करके पुनः गणेश और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लंबोदर नमस्तुभ्यं शतकं मोदक प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति देव महाराज की। अनया पूज्या गणपति देवताभ्यो प्रियंतां नमः। गणेश लक्ष्मी की पूजन के तत्पश्चात कलश स्थापन करें। आप मिट्टी का भी कलश ला सकते हैं या तांबे का या पीतल का कलश भी अपने घर में रख सकते हैं। सर्वप्रथम कलश लाएं, उस पे मिट्टी और रेत दोनों को मिला करके उसमें जौ बुनें और जौ बुन करके उस पे कलश स्थापन करें। सर्वप्रथम पृथ्वी को प्रणाम करें। ओम स्योना पृथ्वी भवान अक्षरे नवासनी जच्छा नहा सर्वसप्रथा। फिर कलश में जल डालें। ओम गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगाय नमः यमुनाय नमः सरस्वत्यै नमः त्रिवेणीयै नमः सप्तसागरदेवेभ्यो नमो नमः। हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और कलावा जरूर बांधे कलश में। ये सब कलश के अंदर डाल दें। सभी चीजें कलश में स्थापना किया गया है, सारी चीज डाली गई है। जनेऊ चढ़ाएं। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिस्ता सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमंजसुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। पुनः कलश में स्वस्तिक बनाएं। वस्त्र में आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं या साड़ी भी चढ़ा सकते हैं और श्रीफल पूर्णपात आम का पल्लव पंच पल्लव उसमें डाल दें और डाल करके पूरा व्यवस्थित करके कलश का स्थापन करें, क्योंकि कलश में सारी देवी देवताओं की स्थापना होती है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले सस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मृता कुच्छौ तु सागरा सर्वे
सप्तदीपो वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा अंगश्चासहिता सर्वे कलशस्तु समाश्रिता। पूरब में ऋग्वेद, दक्षिण में यजुर्वेद, पश्चिम में सामवेद और उत्तर में अथर्वेद, चारों वेदों का पूजन कलश स्थापन करें और कलश स्थापन कर करके धूप दीप दिखाएं। धूपम आर्घ्यापयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि धूपान दीपान्ते अस्तम प्रक्षालयिता नैवेद्यम नाभ्यायासीदंतरिक्षगौं शिष्णोर् द्यौः समवर्तता पदभ्याम भूमृतिशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्नः नैवेद्यान्ते आचमन्यम जलम समर्पयामि। ओम भूर्वश्व कलशादिष्ठा देवताभ्यो नमः। आवाहन करें सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्ति आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम करोमि और उनका स्थापना कर दें। ओम मनो ज्योतिर जुगता माजस्य बृहस्पति जत्नमिमन तनोत वरिष्ठन जत्नकुं समिमन दधातु विश्वे देवा सह्य मादयन्तामो प्रतिष्ठा भगवती ऐं महाकाली ह्रीं महालक्ष्मी क्लीं महासरस्वती त्रिगुणात देवी सुप्रतिष्ठोत वरदो भवः। पुनः हाथ जोड़ करके कलश को प्रणाम करें। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेताहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय यजसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मने जीवनायकं यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। अनया पूज्या कलशादिष्टा देवता प्रियंतां नमो नमः। ओम बम्बरुलाय नमो नमः। सारे विधि विधान से कलश स्थापन किया गया है। आप सब भी एक एक चीज, अगर आपको ये सब मंत्र नहीं आता हो तो आप अपने मन में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भगवती का नवारण मंत्रों के द्वारा एक एक चीज कलश में स्थापना करें और कलश स्थापना करके माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, आप 9 दिनों तक निरंतर हमारे घर में, हमारे व्यापार में, हमारे मंदिर में विराजित रह करके हमारा, हमारे परिवार का, हमारे व्यापार का कल्याण करें। इस विधि विधान से करेंगे तो माँ भगवती की अनंत कृपा प्राप्त होगी। जय माता दी।